हाय दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद के हाई कोर्ट द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई जिसमें 4386 पोस्ट है। इसमें क्लास सिक्स से लेकर ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन मांगी गई है, कोई भी भर सकते। क्लास सिक्स पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिप्लोमा किए आप तो वो भी आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम आपको बताते हैं, तो बिना टाइम गवाए से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार गुजारिश करूंगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जिसमें टोटल पोस्ट 4386 है। इसमें कैटेगरी सी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें 1 कैटेगरी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 543 पोस्ट है, और आपका कैटेगरी 2 में जूनियर असिस्टेंट पेंट अप्रेंटिस है। कैटेगरी 3 में आपको ड्राइवर है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी 4 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन प्रोसेस सर्वर अदर पाइनर ऑफिसर चौकीदार वॉचमैन मेल कूलर, और 9th में आपका स्वीपर है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इसमें फ़ीस लगेगी और कितनी एजुकेशन मांगी गई है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बता दें आपको कि 18 से 40 साल तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो यहाँ पे आपको क्लास सिक्स से इंटर पास, मैट्रिक पास और ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके अलावा आप डिप्लोमा जो किए हैं वो भी इसे भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा OMR शीट द्वारा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग भी होगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर चलिए आप हम आपको बताते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा। OBC जनरल को यहाँ पर 750 रुपये भुगतान करना होगा और ST/SC कैंडिडेट को 500 रुपये भुगतान करना होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दें, स्टार्टिंग अप्लाइंग ऑनलाइन डेट है 2/8/17, लास्ट अप्लाइंग डेट है 22/8/17 और पेमेंट लास्ट ऑनलाइन डेट है 24/8/17। इसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इसे किस तरह अप्लाई करना है चलिए मैं वो भी आपको बताता हूं। इसे ऑनलाइन कर लीजिए। देखिए यहां पर क्लिक ऑनलाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी पूछ रहा है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ मेरे दूसरा कैटेगरी में आता है। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट है तो मैं इंटरमीडिएट वाला भर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा पोस्ट नेम पूछ रहा है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है इसे पूरा भरना है, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को भरता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको नाम अपना भरना होगा, उसके बाद फिर से दोबारा नाम भर के आपको कंफर्म करना होगा, उसके बाद फादर नेम भरना होगा, उसके बाद दोबारा आपको फादर नेम डालकर कंफर्म करना होगा, उसके बाद मदर्स नेम भरना होगा। यहाँ पर मैंने अपना मदर्स नेम भर दिया, तो आप भी यहाँ पर दोबारा मदर्स नेम भर दिया। उसके बाद जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी भरना है। कैटेगरी मैंने यहाँ पर अपना डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको पूछ रहा है कौन से आप रेसिडेंट से है, तो UP से मैं नहीं हूँ वो डाल दिया हूँ। उसके बाद मेटेरियल स्टेटस अनमैरिड हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन मेरा नो, अदर एम्प्लॉयमेंट कार्ड मेरा नहीं है, टाइपिंग स्पीड पूछ रहा है तो मेरा है। यहाँ पे आपको क्रिमिनल केस पूछ रहा है तो मेरा नहीं है। नेशनलिटी, मोबाइल नंबर कन्फर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल,
यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है तो मैंने भर दिया हूँ, तो आपका जो भी है वो आप भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए एजुकेशन में, एजुकेशन में आपको मैट्रिक और इंटर का आपको देना ही देना है। मैट्रिक इंटर का यहाँ पर मैंने भर दिया हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेरा नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंटर पूछ रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर भरना है, तो यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन सेंटर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया है। अब आपको लॉगिन करके इसको पेमेंट करना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा आएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालूँगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैं अपना डालता हूँ, यहाँ पर लॉगिन करते ही देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैं पहले फ़ोटो अपना चॉइस करके अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं सिग्नेचर अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो डाल देता हूँ, फ़ोटो यहाँ पे मैं डालकर अपलोड पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ देखिए मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर पर मैं चॉइस करता हूँ, अपना सिग्नेचर चुन लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर खोज रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर मैं अपना अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट दिखाया जा रहा है रेड कलर में, 750 रुपया, जो कि OBC के लिए। तो यहाँ पे आपको पे करना है, पे नाउ पर आपको क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान करना है इसे। तो ये फॉर्म सक्सेसफुली भरा चुका है, अब इसे ऑनलाइन भुगतान कर देना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरह आप इलाहाबाद कोर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ शंका है या फिर कोई क्वेश्चन है तो सवाल कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।